भारत विकास परिषद ब्यावर मुख्य शाखा एवं स्वामी विवेकानंद शाखा के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को 7 दिवसीय अभिरुचि शिविर का समापन हुआ। समापन समारोह का आयोजन स्थानीय माहेश्वरी भवन में किया गया। इस अभिरुचि शिविर को आयोजन करने में विशेष योगदान भारत विकास परिषद की दोनों शाखाओं की महिला सदस्याओं का रहा। महिला प्रमुख श्रीमती निशा खंडेलवाल ने बताया कि समापन कार्यक्रम में भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत के अध्यक्ष पारस मलबोहरा ने अध्यक्ष अभिरुचि शिविर की प्रांतीय संयोजिका श्रीमती कमलेश बंट ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती बोहरा ने शिरकत की। समापन समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं तत्पश्चात वंदे मातरम गायन के साथ हुआ। दोनों शाखाओं के सदस्यों द्वारा अतिथियों का माला एवं श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। विवेकानंद शाखा अध्यक्ष प्रवीण जैन ने भारत विकास परिषद एवं परिषद के कार्यों के बारे में जानकारी दी। प्रकल्प सह प्रभारी कविता शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन 6 विधाओं में लगभग 1042 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागी केवल ब्यावर ही नहीं अपितु अजमेर, किशनगढ़, जयपुर एवं राजस्थान के अन्य शहरों के अलावा कलकत्ता, अहमदाबाद, इंदौर एवं अन्य शहरों से भी शामिल थे। शिविर प्रभारी नंदिता झंवर ने बताया कि ऑफलाइन माध्यम से 12 विधाओं का संचालन किया गया। ज्यादातर विधाओं में भारतीय संस्कृति और संस्कारों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। कुल 190 प्रशिक्षणार्थियों ने 342 विधाओं में प्रशिक्षण लिया। भारत विकास परिषद के सह सचिव कन्हैयालाल शर्मा ने बताया कि सभी प्रशिक्षणार्थियों को भारत विकास परिषद की तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया गया। सभी प्रशिक्षकों को भी प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। शिविर की विशेषताओं में 2 प्रशिक्षकों अमिता गुप्ता एवं निशा गर्ग का ब्यावर मुख्य शाखा एवं 3 शिक्षिकाओं खुशबू मुंद्रा, श्रुति इनानी व शशि अग्रवाल का भारत विकास परिषद विकानन शाखा की सदस्य होना रहा। शाखा समन्वयक अमरचंद मुंद्रा ने बताया कि दोनों शाखाओं के सभी सदस्यों ने शिविर के 7 दिन अथक प्रयास किए और शिविर सफलता एवं अच्छी उपलब्धियों के साथ समाप्त हुआ। प्रांतीय अध्यक्ष पारसपल बोहरा ने शिविर आयोजन एवं समापन समारोह की प्रस्तुतियों की सराहना की, साथ ही महिला शक्ति को आगे बढ़ाकर सेवा कार्य करने हेतु प्रेरित किया। प्रांतीय संयोजिका कमलेश बंट ने कहा कि शिविर में सिखाई गई कलाओं, दंड संचालन, लोक नृत्य, छोटे बच्चों के नृत्य का समारोह में प्रदर्शन किया गया। मांडना एवं रंगोली का भी बच्चों ने समारोह के पहले समारोह स्थल पर अतिथियों एवं परिषद सदस्यों के अवलोकन हेतु तैयार किया। बने हुए लिफाफे एवं कैलीग्राफी को भी समारोह स्थल पर प्रदर्शित किया गया। अंत में मुख्य शाखा अध्यक्ष दीपक चव्हाण ने सभी को अच्छे शिविर एवं उत्तम समापन समारोह के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। अरे चालू हो जा भाई। अरे लगता है जुड़ने वाला है। आ जुड़ा जुड़ा। अरे वाह, कैसी हो तुम? ठीक हो? अरे यार, इस नेट कनेक्शन की रफ्तार से तो मैं बहुत दुखी हूँ, फिर कट गया। इंटरनेट की महंगी सर्विस और स्लो स्पीड से पाइए छुटकारा। लगवाई कनेक्शन जेएसकाई रेडीनेट फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस का। जी हाँ, संपर्क कीजिए जेएसकाई टावर, एकता सर्किल, लोडा मार्केट के सामने, ब्यावर। मोबाइल नंबर 9952523002। ब्यावर शहर का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम टैलेंट पॉइंट, जहां आप पाएंगे सूट, कोट, शेरवानी की आकर्षक वैरायटी मात्र 2200 रुपए में। फुल सूट कपड़े में सिलाई सहित, साथ ही पाइए आकर्षक उपहार, टाई पिन, रुमाल, मोजे, हैंगर व सूट कवर। किराए की छोड़िए, घर ही की ले जाइए मात्र 2500 रुपए में। डिजाइनर शेरवानी, रेमंड, ओसियन, सियाराम, रीड एंड टेलर, न्यूमैन ब्रांड की इम्पोर्टेड वैरायटी वाजिब दाम में उपलब्ध। अजमेर के कुशल कारीगरों द्वारा वाजिब दाम में पैंट, शर्ट, कुर्ता, पजामा, सूट व शेरवानी की सिलाई भी की जाती है। तो पता नोट कीजिए, टेलर पॉइंट, दुकान नंबर 22, शांति टावर, चांगेट, ब्यावर। संबंधित फर्म जोधपुर टेलर्स, रामगंज, अजमेर। मोबाइल नंबर 9602062799,
9252239208।